अमेजिंग येलो ब्लू कलर। ओह क्या फीस है ये देखो कितनी खतरनाक फीस है। और यहाँ पे आगे दीवार में से मारता है। वाओ के फाल ये मैसेज है। तमाम फिर मौजूद है ना। अहसन वाला शुक्रन शुक्रन जजा गल खैर वाला शुक्रन। गाइस अभी मैंने इस गाड़ी के अंदर अभी फ़िलहाल मैं ये मंगाया हो देख सकते हैं आप। ये है 30 kg। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी मैं इसको उठा लेता हूँ। बिस्मिल्लाह गाइस ये देख सकते हैं ये मैंने लाया हुआ अनाज जो है ये 30 kg है माशाल्लाह। लिफ्ट में चलते हैं अभी। लिफ्ट आ गया चलते हैं इसमें अभी। तो अभी मैंने गाइस दो थैली ले लिया हूँ। एक्चुअली मैं क्या है कि वहाँ परिंदे बहुत ज़्यादा है तो उसको है ना फोना चाहिए और मैं इस हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी लिया हूँ ताकि कम ना पड़े। तो मैं इसको इस झोले में रखता हूँ। ये पानी की छोटी बॉटल भर के ले लूँगा। ओके ज़्यादा वेट हो जाएगा क्योंकि साइकिल पर जाना है। तो कुछ अभी मैंने इस तरीके से हैंग कर लिया हो तो अभी चलते हैं अपने सफ़र की ओर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज का सफ़र आसान हो या अल्लाह। जो मेरा आज का पहला स्टॉप होगा वो होगा इधर। आजा आजा कोई बात नहीं मैं सारे अनाज इधर से डाल देता हूँ। तो जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ वो काफ़ी डिस्टेंस है यहाँ से। पहले अभी तो मैंने फर्स्ट स्पॉट पे मैंने कबूतर के लिए दाना डाल दिया हूँ जिसमें से आधा अभी इसके अंदर बचा हुआ है। ये थैली के अंदर आधा बचा हुआ है तो अभी मैं इस आधे को लेके जा रहा हूँ वो समुंदर के किनारे। वहाँ जाना पड़ेगा मुझे, बहुत दूर है। लेकिन इसका आज जो मैं रोड करूंगा वो कुछ ये साइड से अंदर से रहेगा। तो चलिए देखते हैं, बने रहे वीडियो में। और सुबह सुबह सूरज काफ़ी अच्छा ऊपर आ गया है। अभी टाइम हो गया 8:20 और चलते हैं आज का दिन फिर कैसा रहता है, निकलते अपने सफ़र की ओर। गाइस ये साइकिल की जो गियर शिफ्टिंग है बहुत ही स्मूथ है। गियर शिफ्ट होकर करके मैं इसको लाइट मोड पे ले रहा हूँ। गाइस काफ़ी स्मूथ है इसका जो गियर सिस्टम है, काफ़ी स्मूथ है गाइस। तो इसी का मैं एंजॉय करते हुए घर साइकिल राइड। एक्चुअली स्टोमक में फैट भी थोड़ा ज़्यादा आ गया तो क्यों ना उस फैट को लो करने के लिए, कम करने के लिए साइकिल राइड ही सबसे बेटर है ताकि जो स्टोमक की जो फैट है वो स्टोमक से निकल कर थाई में चले जाए। यस फिर यहाँ से अभी राइट टर्न लेते हुए देख सकते हैं रोड काफ़ी स्मूथ है। और एक्चुअली में गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बंगले भी कितने खूबसूरत है। और मेन बात क्या है ना गाइस कि इधर सऊदी अरेबिया में रोड जहाँ पे घर नहीं होता उससे पहले यहाँ रोड बनकर रेडी हो जाता है, तब जाके वहाँ पर घर बनता है। लाइफ में एक बात तो श्योर है गाइस, जितनी कठिनाइयां है बाद में उतनी ही आसानी है। ऑडी क्यूबेक लैंड क्रॉजर ओडिसी लेक्सस पोर्च। तो लाइफ में जितनी कठिनाइयां झेलोगे बाद में उसका फल
इतना ही आसान मिलेगा और बेहद बेहद खूबसूरत मिलेगा। यहाँ से अभी मुझे लेफ़्ट लेना चाहिए और लेफ़्ट लेकर के तारिक मलिक में मिल जाना चाहिए, टच करना चाहिए। तो मैं अभी तारिक मलिक के लिए यहाँ से क्रॉस राइट लेफ्ट में मुड़ गया हूँ। मेरे पीछे कार आ रही है, मैं उसे साइड दे देता हूँ, पहले वो अपने साइड से जाए। यस, तो देख सकते हैं मैं तारिक मलिक में भी फ़िलहाल अटैच कर गया हूँ। एक्चुअली मैं ये साइड का जो रोड रास्ता अपनाया हूँ, उसको अपनाने की वजह ये है ना कि वो जो राउंड अप बोट है ना गाइस, मैं उसको बहुत करीब से आप लोगों को दिखाऊंगा। काफ़ी बेहद अमेजिंग लगता है वो सीन। बहुत सारा सीनों में आप जद्दा के उस सीनों में देखे होंगे इसको, तो इसीलिए मैं आज यहाँ से चल रहा। ये बहुत ही स्पीड हाईवे है, ये हाईवे एयरपोर्ट में जाता है। मदीना के लिए भी आप ये हाईवे से जा सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे अभी ये जो जगह यहाँ पर एम्प्टी पड़ी हुई है, यहाँ पे अरबियन सेंटर्स मॉल बनेगा, जवाहरात जद्दा मॉल। ये जो अरबियन सेंटर है, इसी ने ही जास्मिन मॉल, अरबिया मॉल, हाइफा मॉल, इसी ब्रांच ने बनाया हुआ है सऊदी अरब के अंदर। और बहुत सारे मॉल है इसके। एक्चुअली में गाइस, मैं अभी यहाँ से गुजरूँगा, मुझे वो साइड जाना है, इसे घूम करके आना है, इस राउंड अबाउट को पूरा राउंड मारना है। देख सकते हैं फ्लैग काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा राउंड सर्कल है ये, बहुत ही बड़ा राउंड सर्कल है, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत में ऐसा राउंड अबाउट लगाया गया है। तो सिग्नल ग्रीन हो गया, तो सिग्नल ग्रीन होते हुए मैं निकल जाता हूँ अभी यहाँ से। देख सकते हो ये काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, दिखाता चलूँ मैं। वहाँ से ऊपर से सन का रिफ्लेक्शन आ रहा है, और ये है रोशन मॉल, जिद्दा का रोशन मॉल। और यह जो देख रहे हैं गाइस, यहाँ जो आप मैप देख रहे हैं, डिज़ाइन देख रहे हैं बिल्डिंग की, वो बिल्डिंग में बनने वाली है मैरियट होटल, प्लस बहुत सारे उसके अंदर मॉल वगैरह होंगे, शॉपिंग सेंटर बहुत सारी होगी, और हेल्थ क्लब होगा हाइपर पांडा। कैफे जिद्दा, नो सॉरी सेफ जिद्दा, अनीस, अमेजिंग, काफ़ी अमेजिंग है। स्पेक्ट्रम्स, ओ स्पेक्ट्रम्स कंपनी इज देयर। अभी यहाँ से काफ़ी अमेजिंग सीनरी आने वाली है, काफ़ी अमेजिंग। साइकिल में मोटर लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है साइकिल में, साइलेंसर की आवाज़ सुन सकते हो आप लोग, ट्र करके जो आ रही है आवाज़। हाँ, और मेरे शैडो मेरे साथ चल रहा है गाइस। ओके, फिर आगे की ओर। आराम से, यस, काफी आराम से। अरे बिल्लू, अंदर पानी में किधर चला गया तू? पानी में क्यों जा रहा है बिल्लो? नीचे वहाँ पे जा कर के छुप गया है। चलो कोई बात नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए अपनी मंजिल। सूटेबल डेंजरस स्विमिंग एरिया गाइस, यहाँ पे स्विमिंग करना ममनू है। अच्छा सा अच्छा टर्न मारा मैंने, काफ़ी अच्छा था। लेकिन यहाँ का जगह बहुत क्लीन है, स्विमिंग कर सकते हैं, बट अलाउड नहीं है। तो ये देखो यहाँ का सीन गाइस, कुछ इस तरीके से पानी यहाँ पे अभी जंप मारेगा, अमेजिंग। जैसे वहाँ से फ्लो आया और यहाँ पे आगे दीवार में से मारता है, वाओ, इट्स वेरी अमेजिंग। छोटी सी फीस आई है।
ब्लैक ब्लैक नाइस। देख सकते हो अमेजिंग ब्लैक फिश अंकल ने अभी कैच किया इधर रेड सी के अंदर। वेरी नाइस। ओ थ्रो अगेन बिकॉज ही इज वेरी स्मॉल। हेलो सलाम अलैकुम अंकल। कचरा निकालते हैं वहाँ से, कुछ भी जाम नहीं होने देते। ये देखो मेरी साइकिल इधर खड़ी है और हमारे अंकल अभी फिश एक बड़ी वाली इसी पकड़े हैं और वो ले करके जा रहे हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाह। वाह अंकल ने इतनी बड़ी फिश पकड़े हैं अभी, देख सकते हैं अमेजिंग, काफ़ी अमेजिंग फिश है। वाह दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस फिश, अमेजिंग येलो ब्लू कलर। ओ क्या फिश है ये, अमेजिंग है देख सकते हो। ओहो हो अमेजिंग फिश अंकल ने पकड़े हैं। अभी मैं हाथ धो लेता हूँ। You want this fish? Nice boss, very nice. Oh, mashallah, very nice fish, huh? What? Can I see? ओके चलो देखो अभी भाई ने क्या फिश पकड़ा है। वाह ओ ओ ये देखो कितनी खतरनाक फिश है। ओह इतने सारे कांटे इसके और काफ़ी अमेजिंग देखने के लिए, लोग काफ़ी अमेजिंग लग रही है। वाह ये रेड सी में इतने अजीब अजीब कितने खूबसूरत खूबसूरत फिश है, कितनी खूबसूरत मछली है, अमेजिंग। कांटा ना लग जाए। काफ़ी मात्रा में अभी इसको अनाज मिल गया, यहाँ कबूतरों को काफ़ी मात्रा में आज अनाज खा रहे हैं लोग, बहुत सारा अनाज है गाइस। कुछ इस तरीके से मैं अभी कबूतरों के लिए दाना यहाँ से गिराते हुए जाऊँगा, देख सकते हैं। देखो देख सकते हैं आप, तो ये थी कबूतर को यहाँ तक आकर के खाना खिलाने की। समंदर के किनारे तो गाइज यही मकसद था आज वीडियो बनाने का, देख सकते हैं आप मैं जो वीडियो बनाया हूँ एक्चुअली में आज यहाँ पे जो अनाज लेकर आया हूँ कबूतर को यहाँ पे डाल करके दे करके बहुत ही खुशी मिल गई। मैं काफ़ी यहाँ से वहाँ तक पूरा गिराते हुए आया हूँ और अभी कबूतर मज़े से अपना खाना खा रहे हैं। तो यही वीडियो बनाने का जो मकसद था वो मकसद पूरा हो गया गाइज। चैनल को सपोर्ट करें इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू वेरी मच।